तो सर हवा यू गाइस कैसे हो आप लोग आई होप आज का आपने मार्केट एंजॉय किया होगा ओके okay. तो so, जो भी हमने डिसाइड किया था अगर हम मैं उसकी बात करूं एक बार सिर्फ रिवाइज uh, कर देता हूं हमने क्या बताया था डिसाइड क्या किया था व्हाट वी वी हैड हैड डिसाइडेड डिसाइडेड फर्स्ट दैट मार्केट इज बिट लाइक ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो डाउन ट्रेंड था तो इफ यू सी मार्केट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लो वापस से लोअर हाई तो एक नया लो बनाया फिर लोअर हाई एंड देन लो अगेन लो इट कंटिन्यूड अगेन इट वेंट अप एंड एक नया लो बन सकता है लेट्स अंडरस्टैंड तो पहला तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे ले सकते थे जो काफी अच्छा गया 200 हंड्रेड ये में फिफ्टीन मिनट गिव यू अ गुड रिवर्स रिवर्सल ट्रेड वी गॉट एंड फ्रॉम हियर वेन द मार्केट ब्रोक दिस लेवल यहाँ पे से गुड रिवर्सल ट्रेड

ठीक है सो प्रोबेबिलिटी इज दैट मार्केट कैन गो लाइक इफ इट इज ओपनिंग विथ स्मॉल गैप अप देन यहां तक या फिर फ्लैट हो रहा तो हो सकता है यहां तक जाके फिर से ये रिवर्स मारे फर्स्ट टारगेट विच आई एम गोइंग टू कीप इट अप इज एट दिस लेवल अराउंड ठीक है फाइनल टारगेट जो होगा दैट विच वी कैन प्लान इज फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी के आसपास वी कैन प्लान ठीक है फोर्टी थाउजेंड इज द लाइक फाइनल टारगेट फॉर दिस वीक फॉर द फॉल ठीक है, लेकिन ये वाला कल के दिन अगर हम लोग प्लान कर सकते हैं like 400 तक आ सकता है। कैसे आएगा, और क्यों आएगा उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको देख लेते हैं ठीक है मार्केट इज क्वाइट ट्रेंडिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रहा है मैं यहाँ पे पेवर पॉइंट हटा देता हूँ दिस इज आर फिफ्टी एंड टू हंड्रेड ये में ठीक है मार्केट काफी ट्रेंड कर रहा है like अगेन लाइक स्मॉल दिसक ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल कुडेंट ब्रेक अगेन इट शुड कंटिन्यू यहां तक कंटिन्यू कर रहा है तो शायद हो सकता है ये लेवल ब्रेक करेगा यहां सेयर इट शुड गो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम और मे भी हो सकता है यहां तक भी जाए एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन सी की हो सकता है पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन रिवर्स ठीक है बट हमारा प्लान क्या रहेगा

सो दिस इज फॉर द बैंक निफ्टी मेकिंग इट वेटी सिंपल ठीक है नाउ लेट्स स्टॉक फॉर द बैंक निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी में भी ये ट्रेड मैंने दिया था ठीक है लाइक कंप्लीट मार्किंग ऑल्सो एवरीथिंग आई हेड गिवन ठीक है मार्केट वेंटअप ह्योर वॉज योर एंट्री पॉइंट दिस वॉज योर एंट्री पॉइंट योर स्टॉप लॉस वॉज ओवर योर ऑन द डे हाई एंड टारगेट ऑलमोस्ट लाइक इट गेव यू वन इज टू टू पॉइंट थ्री के आसपास मिला है बट चलो वन इज टू सेवन यू कुड हैव गॉट लाइक एटी थ्री पॉइंट यू कुड है And uh, again, this plan didn't work out. So uh, is market upar ki movement in India. See, when I do the analysis, I don't I cannot really say that key looking at the price action, only I can say market will go up or down. But when the US market closes in green, flat, or negative, so that point of time we get to know that the market can open up with a uh, gap up or gap down. So as of now, if I'm looking right now, it is 11 o'clock. Okay. And over here, what I can see that us market is somewhere around. फ्लैट ओपनिंग बिकॉज इट इज लुकिंग फॉर जस्ट थर्टी पॉइंटिव तो एंड यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टी पॉइंट के आसपास का गैप डाउन निफ्टी फिफ्टी में इट इज शोइंग ठीक है नाउ अगेन सेम स्ट्रक्चर इज है एज वेल सो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट सिक्स थर्टी फाइव के आसपास है तो यहाँ पे ओपन हो

रिवर्सल ट्रेड ठीक है अदरवाइज देट से मार्केट यहां से ओपन होकर सीधा ये लेवल ब्रेक होता है लाइक इफ दिस लेवल गेट्स अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन 200 का वेट तो करना पड़ेगा कि ये ब्रेक हो जाए तो ऑलमोस्ट लाइक वन ट्वेंटी पॉइंट के अपसाइड मूव में या फिर यहां से भी मिल जाता है ये वाला बेस्ट है एंड अगेन इफ दिस गिव्स मी अ ब्रेकआउट देन मार्केट विल बी ट्रेंडिंग टिल अप टू मे बी एट तक ट्रेंड कर सकता है 830, 40 तक अनदर 200 पॉइंट्स पॉइंट अपसाइड इट कैन गो बट व्हाट इट लुक्स लाइक इफ इट इज अ गैप डाउन ओपनिंग यहां तक आने के चांसेस है 500 जो आज का लो है इफ अनदर 20, 30 पॉइंट्स डाउनसाइड. अगर मार्केट ने रिवर्सल नहीं दिया देन ये टच कर सकता है पॉसिबिलिटीजीट मार्केट विल कंटिन्यू एक्सटेंड एंड इफ विल लुक फॉर हायर टाइम फ्रेम सारी चीजें हटा देते हैं से लेकर इंडिकेटर्स लेकर सारी चीजें फोर आवर्स टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है बैंक निफ्टी के लिए भी देख लेंगे एंड वन डे के टाइम फ्रेम पे देखे तो यहां से एक ट्रेंड लाइन बनेगा ठीक है जो अभी ब्रेक हो चुका है ट्रेंडलाइन बना ब्रेक हो चुका है पहली चीज दूसरी चीज अगर यहाँ से देखा जाए तो एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है फाइव हंड्रेड या फोर फिफ्टी से फाइव हंड्रेड के बीच में मार्केट हो सकता है फंस सकता है सो वोट आई एम लुकिंग एज ऑफ नाउ इज की अराउंड थ्री फोर हंड्रेड के आसपास मार्केट आएगा एंड देन इट विल मूव लाइक दिस एज सुन एज लाइक फोर हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड लेवल गिफ्स यू ब्रेक आउट यहाँ से यह जो आपको लेवल दिख रहा break है ब्रेक करेगा ये जो गैप है ये थोड़ा सा फिल करेगा एंड देन वंस इट गिवस यूर ब्रेकआउट मार्केट विल बी गोइंग टूअर्ड्स डाउन साइड एंड सेम गोज फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल ठीक है तो आप देखोगे एक ट्रेनलाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ब्रेक हो चुका है दिस इज अइंड ऑफ बेरिश कैंडल ठीक है इफ यू सी इन फोर आवर्स टाइम फ्रेम टली लाइक बेरिश यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ ब्रेकआउट हो गया डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ ब्रेकआउट हो गया दिख रहा है प्रोबेबिलिटीआउटी एट थाउजेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मे बी इट कैन कम लाइक अकॉर्डिंग टूट टेनिकल इट इज सीटी बिकॉज फिफ्टी एम इज देर ठीक है एंड डेली टाइम फ्रेम देखिए And if we see in one hour time frame, ये ऊपर आ गया तो बॉस चांसेस तो हैं, but market will be going towards a downside. Like 40,000 once it has to touch 40,000 जो होगा वो एक बार टच करेगा. Rest is up to the market. As an intraday trader, we should be uh, looking only for the opportunities. Let it be if it is going towards upside or downside. ठीक है एक व्यू बना लेंगे uh, to follow the trend. then we will go accordingly. वी शुड नॉट बी मेकिंग दैट की मार्केट आज तो नीचे ही गिरेगा तो वी विल भी लुकिंग ओनली फॉर सेल्स साइड और मार्केट आज के ऊपर जस्ट गो विद द फ्लो डो नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड दैट्स इट दाइंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो